द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से काशी में है। यह स्थान शिव और पार्वती का आदि स्थान है। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार कराया। मुगलों के आक्रमण के बाद इसे बार बार क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई। इतिहासकारों के अनुसार पहली बार इस भव्य मंदिर को सन 1194 में मोहम्मद गौरी द्वारा तोड़ा गया। इसे फिर से बनवाया गया, लेकिन एक बार फिर इसे सन 1443 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह द्वारा तोड़ा गया। सन 1585 ईस्वी में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। इस भव्य मंदिर पर फिर से सन 1632 में शाहजहां की बुरी नजर पड़ी और उसने आदेश पारित कर इसे तोड़ने के लिए सेना भेज दी। श्रद्धालुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण सेना विश्वनाथ मंदिर को नहीं तोड़ सकी, लेकिन काशी के 63 अन्य मंदिर तोड़ दिए गए। मुगल यहीं पर नहीं रुके। इस बार अपनी बदनीयत लेकर औरंगजेब आगे आया और 18 अप्रैल 1669 को एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया। औरंगजेब के फरमान के बाद 1669 में मुगल सेना ने विश्वेश्वर का मंदिर ध्वस्त कर दिया। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को कोई क्षति न हो सके, इसके लिए मंदिर के महंत शिवलिंग को लेकर ज्ञान वापी कुंड में कूद गए। हमले के दौरान मुगल सेना ने मंदिर के बाहर स्थापित विशाल नंदी की प्रतिमा को तोड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन सेना के तमाम प्रयासों के बाद भी वे प्रतिमा को नहीं तोड़ सके। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हर हर महादेव।